फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं वे सुनते हैं। सिख के बिना वो नहीं हो सकता है, तो इस अवधारणा को लेकर के जो आगे बढ़े थे उनका हमको बहुत मार्गदर्शन मिलता था। जब हम भी अपने यौवन काल के अंदर काम करते थे तो उस समय उनके उस मार्गदर्शन के कारण से आज की चीजें सब संभव हो पाई है, और उस चीज को आगे बढ़ाते हुए अपने देश की आजादी जैसा हम समझते हैं, आज 73 साल अपने देश को आजाद हुए हो गए हैं, देश ने बहुत प्रगति की है, ये ठीक बात है। आखिर कुछ भी नहीं था, देश जब आजाद हुआ उस समय हम न तो औद्योगिक दृष्टि से, न कृषि की दृष्टि से, न सेवाओं की दृष्टि से ऐसे आत्मनिर्भर थे, देश ने काम बहुत किया। लेकिन वहां ये कहना भी सत्य होगा कि अगर हम और कुछ देशों का उदाहरण लेकर के चलें जो समकालीन समय में ही जिनका उदय हुआ उन देशों का, उनके मुकाबले बहुत पीछे रह गए हैं। अगर मैं उदाहरण देता हूं जापान का, जापान समकालीन स्थिति के अंदर ही आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, आज हमारे से बहुत आगे निकला हुआ है। मैं उदाहरण देता हूं इसराइल का, इसराइल भी लगभग उसी समय उसका उदय हुआ, बल्कि इसराइल की और हमारे अंतर तो ये कि हम तो अपने स्थानों पर ठीक से बसे हुए थे, केवल उतने पोर्शन को हम छोड़ दें जो पश्चिमी पंजाब से देश के जो दो भाग हो गए, पाकिस्तान बन गया पाकिस्तान से, और एक प्रकार से उजड़ करके जिसको कहना चाहिए यहां वो पहुंचे आए। लेकिन इसराइल तो ऐसा देश है जो सारी दुनिया में फैला हुआ था, वो उनकी उस भूमि के ऊपर थे ही नहीं। 2000 साल के एग्जाइल के बाद उन्होंने अपने देश की भूमि के ऊपर आके पैर रखा, एक देश बनाया और उस देश को आगे बढ़ा करके, और किस प्रकार से आत्मनिर्भरता की भावना उनके मन में आई, वो आज हम कह सकते दुनिया का एक बड़ा विकसित देश है। वहां तो भूमि भी हमारी भूमि, फिर भी प्राकृतिक साधनों के नाते से हम कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर थे। वहां तो रेतीली भूमि थी, पानी का वहां संकट था, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं हमारे यहाँ, फिर भी कुछ चीजें जिसको कह सकते आधार देश हमारा था। वहां उन लोगों ने अपने उद्योग को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने अपनी खेती को आगे बढ़ाया, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, अपने एक प्रकार का आते ही एक ऐसा देश जो नया बसाया वो न्यूक्लियर रिएक्टर बना करके और दुनिया में छा गया। आज उनका एक्सपोर्ट डिफेंस के जो उपकरण है उनके अंदर जहाज इस प्रकार के विदेशों के अंदर आज वो भेज रहे हैं, अपना एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा यह कहने का भाव है कि समाज का निर्माण जैसा हो जाए वैसे सामाजिक निर्माण से ही चीजें आगे उभर करके आती हैं। हमारे यहाँ इन चीजों की कमियां रही, लेकिन देर से ही अब हम उस रास्ते पर आ गए हैं कि जब अपने समाज को, अपने युवा को, अपने हर उद्यमी को हम उसको स्वावलंबित करने के लिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए, स्वयं आत्मनिर्भर हो, उसका व्यवसाय आत्मनिर्भर हो, समाज और देश ये भी आत्मनिर्भर हो। तो उस नाते से जैसा सभी विचार किया हमने कि अभी देश के प्रधानमंत्री ने इस कोरोना काल के समय में ही, कोरोना एक संकट है, एक महामारी, एक चैलेंज, लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी के नाते से हम लोगों ने यूज किया है। प्रधानमंत्री जी ने उसमें कुछ घोषणाएं की कि अपने देश को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज जो श्रमिकों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, उद्यमियों के लिए भी है, व्यापारियों के लिए भी है, सबके लिए एक बहुत बड़ा एक आर्थिक पैकेज देकर के एक रास्ता बनाया है कि हम अपनी सारी प्रक्रिया को हम इस प्रकार से बनाए कि देश का स्थान कैसे आगे बढ़े। उसमें हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है कृषि, कृषि क्षेत्र के अंदर आज आधुनिक तौर पर किस प्रकार से हम खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमने मात्रा तो अपने यहाँ अच्छी बना ली। एक समय था कि हमारी आबादी 30 करोड़ थी, हमारे पास 30 करोड़ आबादी को भी अन्न खिलाने के लिए नहीं था। आज हम 130 करोड़ लोगों के पेट को भर रहे हैं और फिर भी उस अन्न को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी हैं, लेकिन वही कमी दूसरी गुणवत्ता की है। उस गुणवत्ता को ठीक करने के लिए हमने उस ओर आगे बढ़ना शुरू किया, हमने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक खेती करके वो शुद्धता उसकी कैसे बढ़े, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक उद्योग का विषय है, उद्योग में भी आज हम बहुत सी चीजें अपने आप बनाने लग गए हैं, फिर भी उद्योग में बड़ा विषय है हमारा जो स्टेक होल्डर है वो चाहे उद्योगपति है और चाहे वह वर्कर है। उद्योगपति का निवेश, उसकी क्षमता कैसे बढ़े, हमारी बैंकिंग की व्यवस्थाएं कैसे अच्छी हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, और फिर वर्कफोर्स, वर्कफोर्स के लिए जो काम करने वाला श्रमिक है, कर्मचारी है, उसका विकास कैसे हो, उसकी शिक्षा, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में वो रोजगार परक शिक्षा कैसे हो, कैसे दी जाए, यानी स्कूलिंग के साथ साथ उसको स्किलिंग, इसके देने के प्रावधान हमने किए हैं। आज जो युवा पढ़ा लिखा घर में बैठा है, उसकी स्किलिंग, जैसा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का जो चर्चा की, राज नेहरू जिसके वाइस चांसलर है, इसकी कल्पना हमने की कि हमारा युवक शिक्षक बैठा है घर में, लेकिन वो करना कुछ नहीं जानता, उसके पास हुनर नहीं है, तो उसको हुनर देना। तो हमको केंद्रीय जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चला, उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में केवल मिशन तक सीमित ना रह करके हमने उसको यूनिवर्सिटी के माध्यम से चीजों को और आगे बढ़ाया जाए। उद्योग जगत का उसके साथ हमने संबंध बनाया, उनके साथ MOUs किए। आज 150 के लगभग उद्योग ऐसे हैं जहां हमारे विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके MOUs हुए हैं, ताकि उसमें से हजारों युवकों को हम स्किलिंग करा करके उनकी प्लेसमेंट वहां करा सके। तो इस प्रकार से ये सारे विषय हमने उद्योग के साथ जुड़ करके किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आई, हमारे यहाँ हरियाणा में मैं कह सकता हूं कि बेस्ट प्रेफर्ड एक डेस्टिनेशन देश और दुनिया के निवेशकों के लिए बना है। यहाँ कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम उत्तर भारत के प्रदेशों में बहुत आगे हैं, और हमारे यहाँ लैंड चूंकि दिल्ली कैपिटल एरिया के नजदीक होने के नाते से जरूर महंगी है, तो उसमें भी हमने प्रावधान किया है कि लैंड खरीदने की बजाय लीज बेसिस पर लैंड, सरकार जमीन खरीद के या पंचायतों के हमारी जमीन लीज बेसिस पर भी हम एंटरप्रेन्योर्स को वो दिलवाएंगे, ऐसा हमने प्रावधान किए हैं। बिजली की कोई हमारी कमी नहीं है, वाटर सप्लाई भी उद्योग के लिए जितना आवश्यक है वो सब हम दे रहे हैं। जहां तक वर्कफोर्स की बात है, इस वर्कफोर्स में यानी रोजगार युवकों को मिले, क्योंकि तो आखिर किसी प्रदेश की एक जिम्मेवारी होती है, दायित्व होता है कि वहां के युवकों को रोजगार मिले, उस रोजगार में जहां कहीं स्किलिंग की आवश्यकता है वो प्रावधान शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, अभी 2 साल इसमें हुए हैं, काफी हमने इसमें काफी कुछ किया है, लेकिन और गुंजाइश इसमें हम करेंगे। हमने सक्षम युवा योजना ये शुरू की, उसके अंदर 100 घंटे प्रति महीने का काम देने की योजना जो बनाई, 1,04,000 युवकों को हमने उसमें काम दिलाया है। हमने स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लगभग 4,000 युवकों को जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिन्होंने काम शुरू किया है। इसी प्रकार से मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 14,000 करोड़ रुपए का लोन हरियाणा के युवकों ने उठाया है। आखिर लोन उठाया है तो कहना कि कुछ ना किसी उद्योग के नाते, लघु उद्योग, छोटा MSME, कुछ शुरू करेंगे, तो उसमें से हमारे इस उद्योग को सपोर्टिव एक फैक्टर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को काफी आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के, पूरे समाज के लिए भी जो हमारा चिंतन है, उस चिंतन में कि अगर उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, 5S हम लेकर के चल रहे हैं, उसमें स्वावलंबन की जैसे बात आई, स्वावलंबन में प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, अर्थात हम उसी को स्वदेशी कहते हैं कि लोकल की जो चीज है वो हमारी बननी चाहिए, उसके अंदर हम ट्रेनिंग सबको दे रहे हैं, व्यवस्थाएं दे रहे हैं, और उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था ये भी हम कर रहे हैं, ताकि नौजवान हमारा कुछ प्रोड्यूस करता है तो उसकी प्रोडक्शन का, उसकी जो मार्केटिंग अगर नहीं होगी तो फेल हो जाएगा। तो मार्केटिंग के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सुविधाएं दे रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर मैं कह सकता हूं कि हमने लगभग 5 लाख लोगों को, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट उद्योग में नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार के अवसर हो, ये हमने प्रदान कराए हैं। जहां तक सरकारी नौकरी का विषय है, एक बड़ा जिसको कहना चाहिए कि हमारे यहाँ कैंसर का रोग हरियाणा के अंदर, वो भ्रष्टाचार का सरकारी सिस्टम में सब जगह हम लोग देखते थे, उस पर चोट मारनी शुरू की है। तो सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जाए, बिना पर्ची खर्ची के दी जाए, लगभग 85,000 नौजवानों को बिना किसी पैसा खर्च किए हमने नौकरी उनको दिलाई है। हरियाणा में एक वातावरण बना है ये सरकार के समय, अब वो जो पहले चलता था कि या तो पिताजी को जमीन बेचने के लिए कहा जाता था, या अपनी माँ को अपने जो छोटा मोटा कोई उसका आभूषण होता था उसको बेच करके पैसे लाके और नौकरी खरीदने की बात आती थी, उन चीजों से हमने उसको बाहर निकाला है। ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से व्यवस्थाएं परिवर्तन करने के हमने काम किए हैं, सिस्टम चेंज करने के काम किए हैं, कि व्यक्ति को जो सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं, योजनाएं, उनका लाभ घर बैठे कैसे मिले, तो इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार उद्योग में
यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ये कैसे कम हो, इसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हरियाणा सरकार की ओर से जिस प्रकार की सब ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, निश्चित रूप से इस प्रदेश को उसका लाभ होने वाला है। फिर भी आप जिस तरह के लोग बैठे हैं, आपके पास एक बहुमूल्य विचार है, बहुमूल्य ज्ञान है, बहुमूल्य अनुभव है। इस आधार पर मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सबकी भागीदारी प्रदेश को आगे बढ़ाने में यदि हमको मिलती है, और उसमें जो अच्छे विचार आते हैं, सुझाव आते हैं, किसी प्रकार का कोई रिफॉर्म करने की बात आती है, हम हमेशा तैयार हैं उसको करने के लिए। किस प्रकार से हमारे समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाने में, पूरा समाज कैसे सुखी हो, वंचित समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम कर रहे हैं। इसमें हमारा जो सोच है कि पूरे समाज में कई बार आह्वान करने से माहौल तो बनता है, वातावरण बनता है, लेकिन जब तक हम हर इंडिविजुअल पर उसके साथ जुड़ करके उसका ध्यान नहीं करेंगे, तब तक उस इंडिविजुअल को आगे बढ़ने में कठिनाइयां आती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम, हमारी आबादी 3.25 करोड़ कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन इसमें जो अग्नि विचार रखने वाले लोग हैं, यदि सामाजिक तौर पर जिन लोगों की अभी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो अपने आप को उनके साथ जोड़ लेते हैं। जैसा शिक्षा के अंदर हम एक कहावत कहते थे, ईच वन टीच वन, उसी प्रकार से हम हर एक आदमी दूसरे के हित के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं, उसकी शिक्षा में, उसके कौशल में, उसके रोजगार में, उसकी आर्थिक प्रगति में, या किसी प्रकार का कोई संकट व्यक्ति को है उस संकट को दूर करने में, किसी के स्वभाव को ठीक करने में। हमेशा भी देखते हैं समाज के अंदर बहुत लोग अच्छी आर्थिक स्थिति रखते हैं, कमाते हैं, सैलरी अच्छी लेते हैं, खेती रोजगार सब में, लेकिन आर्थिक अच्छी ना होने के कारण से वो कहीं ना कहीं ड्रेन आउट होता रहता है उनका सिस्टम। तो उसको भी ठीक करने के लिए समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हम अपने साथ कुछ लोगों के जिनको कहना चाहिए उनको अडॉप्ट करें, ईच वन अडॉप्ट वन, हम दूसरों की चिंता करें तो निश्चित रूप से कोई ऐसे भी होंगे जो हमारी चिंता भी करेंगे। तो ये सब एक दूसरे के साथ हित जो है ये सब जुड़े हैं, इन चीजों को हम आगे लेकर के जाएं। आज के इस अवसर के ऊपर, खास करके इन दिनों में जो कोविड का सारा विषय चल रहा है, इस कोविड के समय तो हमको अनुभव आ गया कि उसमें कितने प्रकार के नए अनुभव हमारे खड़े हुए हैं। दीनदयाल जी कहा करते थे कि उत्पादकता की पराकाष्ठा होनी चाहिए। उत्पादकता की पराकाष्ठा हमारे यहाँ बढ़ रही है, आगे चल रही है, और इस कोरोना के समय पर तो जो अनुभव नए नए आए, अभी हमारे एक सज्जन कह रहे थे मारुति ने वेंटिलेटर बनाए। अब मारुति ऑटो के काम में, उद्योग में चलने वाली, और वो एकदम आवश्यकता पड़ने के ऊपर वेंटिलेटर बनाने के लिए आ जाएंगे। जिस दिन कोविड शुरू हुआ उस दिन हमारे यहाँ एक भी पीपीई किट बनता नहीं था, N95 बनता नहीं था, लेकिन हमने उस उद्यम को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, आज लाखों की संख्या में पीपीई किट भी बनते हैं, करोड़ों की संख्या में मास्क बनते हैं, सैनिटाइजर बनने लग गया है, जो आवश्यकता है क्लोरोक्विन की गोलियां मेडिसिन बना करके हमने अमेरिका जैसे देश को सप्लाई कर दी है, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो हमारी जो जिसको कहना चाहिए हमारी डेमोग्राफी, इस डेमोग्राफी को आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबी होकर के और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए इसका उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भरता की बात की, उन्होंने 5 उसके स्तंभ बताए थे, और वो 5 स्तंभ है, इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा सिस्टम्स है, डेमोग्राफी है, और हमारी डिमांड है। इन 5 चीजों को यदि हम सबका उपयोग करते हुए, सबको समायोजित करते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से देश जो दिशा पकड़ रहा है, इस दिशा को पकड़ करके और हम लोग बहुत जल्दी दुनिया में एक ऐसा देश कहलाने वाले हैं कि जो कह सकते हैं कि आज जैसे सुपर पावर कहा जाता है, दुनिया की सुपर पावर्स में भारतवर्ष का नाम निश्चित आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। आज ये जो कार्यक्रम किया गया है जिसमें कुछ राष्ट्रीय स्वावलंबन सम्मान दिया गया, जो भी हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स हैं और अदर अचीवर्स हैं, उद्योगपति कुछ है और कुछ हमारे स्किल के प्रणेता हैं, जैसे देवेंद्र सिंह जी हैं, जैसे 4-5 उद्योगपतियों को भी सम्मान दिया गया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और खास करके ये जो आयोजन किया गया है